एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता लेकर के आया हूँ। मैडम का ये कहना है कि मेरी उम्र 40 साल है, मुझे किसी भी जाति का लड़का चलेगा, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो आप समझ रहे हैं कि आज मैं फिर से एक वही रिश्ता उठा करके लेकर के आ गया जो कि आपकी गरीबी को यूं मिटा सकता है। और ये काफी जेन्युइन प्रोफाइल है, ये हमारे साथ जुड़ी हुई है पिछले 6 महीने से, क्योंकि मैंने इनके रिश्तेदारों में भी कुछ शादियां फाइनल कराई है। तो इन्होंने बोला था कि सर आप पहले ये शादी फाइनल करा के दिखाओ, फिर मैं अपनी शादी की बात आपसे करूंगी। तो आज ही सुबह उनका हमारे पास ईमेल आया, उन्होंने बोला कि मैं सर ऐसी ऐसी बात है कि मैं भी अब शादी करने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। ये इनकी सेकेंड मैरिज है, आपको मैं पहले क्लियर करना चाहूंगा, और ये प्रेफर कर रही है अगर कोई फर्स्ट मैरिज का भी लड़का हो, सेकेंड मैरिज का भी लड़का हो, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। इनकी पहली शादी जो हुई थी वो दिल्ली में हुई थी और ये रहने वाली महाराष्ट्र की है। इनकी पहले जो पति थे वो कोरोना में डेथ कर चुके हैं और इनके जो बच्चे नहीं थे, तो इनके बच्चे नहीं थे इसलिए इन्होंने सोचा कि मैं अब दोबारा शादी करके अपने आने वाले जीवन में काफी सारी चीजों को चेंज करना चाहती हूँ। इनका काफी अच्छा खासा बिजनेस है, इनका फर्नीचर का काफी अच्छा होलसेल का बिजनेस है, इनके पूरे महाराष्ट्र में फर्नीचर सप्लाई होता है और फर्नीचर सप्लाई होने के साथ साथ इनका घर भी उन्हीं फर्नीचर के बिजनेस से चलता है और इनकी काफी अच्छी खासी ग्रोथ है। इनका अपना घर वगैरह भी सब महाराष्ट्र में ही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं महाराष्ट्र में शादी करने के लिए तो आप फटाफट नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमारी कंपनी के अधिकारी से बात करें। अगर आप रहने वाले इंडिया में कहीं से भी है तब भी कोई इशू नहीं है, किसी भी जाति से तब भी कोई इशू नहीं है। रजिस्ट्रेशन बुक करने के बाद हमारी कंपनी आपको उनका फोटो और बायोडाटा प्रोवाइड कराएगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमारी शादी, हमारी कंपनी आपकी शादी उनके साथ जरूर करवाएगी। और इनको 10 साल लड़का कम वाला भी चल रहा है और 10 साल लड़का बड़ा वाला भी चल रहा है। तो आप देख लें अगर अगर आप कौन सी एज में आते हैं उसके अनुसार आप इस मैडम के साथ शादी कर सकते हैं। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए रिश्ते के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।